हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। यूपीएससी जेकेएस सी सेट के रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं रेगुलरली। आपको मैं शॉर्टकट तरीका और किस तरह से क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग कर रहे हैं अभी हम, उसके बाद हम बाकी भी चीज़ें करेंगे। मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम करेंगे एक एक करके। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करना है। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोई टॉपिक अगर आपने समझना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाई का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसका डाई का? देखो, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस सीसेट का जो एग्जाम रहते हैं उनमें डाई का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं और बहुत ही सिंपल इजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो आज आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 है ना, दिख रहा है ना आप सभी को? तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको तीन डाई दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बच्चों एक सेकंड में निकलने वाला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो वही बात होगी, अगर बच्चों को वो चीज पता ही नहीं होगी तो बच्चे जो है इस क्वेश्चन को लेके सर पकड़ के बैठ जाए एग्जाम में, हाय ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, क्वेश्चन को सिंपल आपने पढ़ना है। दिया गया है डिफरेंट व्यूज ऑफ ए फेयर डाई आर गिवन, बेस्ड ऑन द व्यूज गिवन फाइंड द नंबर अपोजिट टू द सिक्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब आपको यहां पे दिया गया है कि भाई ये जो सिक्स नंबर है इसका अपोजिट नंबर क्या होगा। आपने देखा ना, सबने आपने लूडो खेला होगा, सब आजकल तो सारे ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं तो उनको इतना डाई का पता नहीं होगा कि किस तरह से दिखता है जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो जब आप खुद उसको 3D देखोगे ना, 3D पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके फेसेस कैसे होते हैं। उसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट रहते हैं। जैसे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। इसमें क्या होगा, 3 के अपोजिट 2 हो, 2 के अपोजिट 6 हो, 1 के अपोजिट 5 हो, तो इस तरह से होगा। आपको नहीं पता होगा तो ऑनलाइन जो आजकल लूडो खेलते हैं उनको ये पता है, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भाई जो नंबर 6 है उसके अपोजिट क्या नंबर है। तो सबसे पहले आपने देखना है जी ये यहाँ पे जो तीन डाई दिए गए हैं ना, क्या इन डाई के ऊपर आपको कहीं पे भी 6 नजर आ रहा है? भैया क्या 6 नजर आ रहा है इसमें? भैया बहनों बताओ जरा मुझे, क्या यहाँ पे 6 किसी को नजर दिखा? नहीं आ रहा है ना, तो चुपचाप करके अब आप 6 को भूल जाओ। अब जो मैं बोलूंगा ना, देखो कितने आसानी से आपका ये क्वेश्चन जो है वो निकलेगा। जो भी यहाँ पे आपको चीजें दी गई है ना, जो नंबर दिए गए हैं, क्या है, फर्स्ट डाई पे दिया गया 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4, यही नंबर दिए गए ना। तो आपने देखना सबसे पहले आपने नंबर उठाना है जो सबसे ज्यादा इस, चलो वो भी रहने दो, आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल आपके साथ जो इसमें नंबर दिए गए, देखो आपको 6 नंबर इसमें दे दिए गए, तो 1 से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नंबर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप ध्यान रखना, आप ध्यान रखना क्या करना है। देखो जो आपको फर्स्ट डाई यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे 1 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 1 दिखा, और 1 के साथ जो एडजेसेंट आपके फेसेस दिख रहे हैं 1 के साथ क्या क्या दिखा, 2 और 3 दिख रहा है ना। अब ये जो नेक्स्ट थर्ड डाई है यहाँ पे भी 1 है, तो 1 के जो एडजेसेंट फेसेस है, जो साथ वाले फेसेस है, वहां पे क्या लिखा, 2 और 4, तो 2 हमने पहले लिख लिया है, 4, मतलब कि 1 के साथ जो है 2, 4, 2, 3, 4 है। तो ये जो डाई दिए गए हैं इसमें 1 के साथ 5 और 6 नहीं दिया गया। देखो 5 नहीं दिया ना, तो मतलब कि 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर के ऊपर। देखो फर्स्ट डाई में 2 के साथ क्या दिया गया है, 4, उसके बाद क्या दिया गया है, 5। सेकंड डाई में 2 के साथ क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 3। थर्ड डाई में 2 के साथ क्या दिया गया है, 1 और 2,
वन और टू, क्या दिया गया वन और टू तो देखो। अच्छा टू की बात कर रहे हैं तो टू तो ऑलरेडी है तो टू लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो टू के साथ जो है वन फोर, वन थ्री फाइव और फोर, ये इसके एडजेसेंट फेसेस हैं। क्या है ये इसके एडजेसेंट फेसेस हैं। तो मतलब कि अब कौन सा नंबर बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ छह बच रहा है। तो मतलब कि टू के अपोजिट जो नंबर होगा ना बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ छह ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दो के साथ जो साथ वाले नंबर हैं वो जुड़ रहे हैं कौन से, वन थ्री थ्री फोर फाइव, ये सारे दिख रहे हैं ना साथ साथ में। अगर ये साथ में तो इसके अपोजिट तो नहीं हो सकते ना। तो बच कौन रहा है, सिर्फ छह बच रहा है। तो मतलब कि टू के अपोजिट क्या रहेगा, छह। चलो हम बाकी वाले भी हम देख लेते हैं। जैसे अब देख रहे हैं थ्री, थ्री के साथ क्या है दिख रहा है आपको, वन और टू, सेकेंड डाई पे थ्री दिखा, उसके बाद थ्री अगले डाई पे है ही। तो मतलब कि थ्री के साथ वन और टू है, तो मतलब कि थ्री के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, तीन आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब चलो फोर, फोर के साथ क्या दिया गया है, पहले टाइप पे टू और फाइव दिया गया है, और फोर आपको थर्ड टाइप पे दिख रहा है वहाँ पे वन और टू दिया गया है। तो मतलब कि देखो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि फोर के जो अपोजिट फेसेस हैं वो थ्री भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है। आगे ना दो दो चांसेस हैं यहाँ पे। अब चलो फाइव के ऊपर, अब फाइव दिख रहा है फर्स्ट टाइप में, उधर टू और फोर दिया गया है एडजेसेंट फेसेस, उसके बाद नेक्स्ट फाइव नहीं है, लास्ट में भी फाइव नहीं है। तो मतलब कि फाइव के साथ जो एडजेसेंट फेसेस, ये जो तीन डाई है उसके साथ नहीं है, वो कौन सा, वन उसके बाद थ्री उसके बाद फाइव को छोड़ो, फाइव तो है नहीं है, वन थ्री उसके बाद टू फोर और सिक्स। देखो तो मतलब कि फाइव के अपोजिट जो है वन थ्री और सिक्स में से हो सकता, बट हमारे पास एक टू ही नंबर था जिसके अपोजिट सिर्फ क्या ही क्या दिख रहा था, हमें छह दिख रहा था जो इसके साथ एडजेसेंट फेसेस पे नहीं था। तो मतलब कि टू के अपोजिट क्या आएगा आपका, 110% क्या आएगा, छह आएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आ गया टू। तो इस तरह से ये जो डाई का क्वेश्चन है ऐसे करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर यहीं से नहीं समझ आया तो वो भी बताइएगा। अगर आपको ये ट्रिक पहले नहीं पता थी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक सेकंड, दो सेकंड, चलो पांच सेकंड में बोल देता हूँ, पांच सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो निकलने वाला है, पांच सेकंड के अंदर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितनी आसान ट्रिक थी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे कि ये सर हमें ट्रिक नहीं पता थी, ठीक है। तो थैंक्स भी आप कर सकते हो। तो नई ट्रिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है और अपना फीडबैक भी बताना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।